हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कोरोना वायरस से रिलेटेड वोकैबुलरी लेकर आया हूँ। पहला वर्ड है कोविड-19। कोविड-19 मतलब CO मतलब कोरोना, और VI मतलब वायरस, और D मतलब डिजीज़, कोरोना वायरस डिजीज़ 2019, और 19 का मतलब ये 2019 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में सेकंड वर्ड है आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब होता है शुरुआत। शुरुआत मतलब जहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई या ये फैला, तो उसे हम आउटब्रेक बोलेंगे। उसके बाद में थर्ड वर्ड है एपिसेंटर। एपिसेंटर यानी अहम मरकज़, जहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई या जहाँ से ये फैला, उसे हम एपिसेंटर बोलेंगे, यानी अहम मरकज, स्टार्टिंग का पॉइंट। उसके बाद में चौथा वर्ड है एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब वबाई। वबाई यानी छूने से फैलने वाला, तो एपिडेमिक। उसके बाद में फोर्थ वर्ड है पैंडेमिक। पैंडेमिक यानी महामारी। महामारी यानी वबाई मर्ज, ऐसा मर्ज जो बहुत फैल गया, वो पूरी दुनिया में फैल गया, उसे पैंडेमिक बोलेंगे। उसके बाद में पांचवा वर्ड है कॉन्टीजियस। कॉन्टीजियस के मायने होते हैं छूने से फैलने वाला। उसके बाद में छठा वर्ड है ट्रांसमिट। ट्रांसमिट यानी मुंतकिल होना, या फिर एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाना, या ट्रांसमिट हो जाना, या ट्रांसमिजन्स। उसके बाद में सेवन वर्ड है इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड यानी मुतासिर होना या प्रभावित होना, यानी मतलब जो भी बंदा इसकी चपेट में आए तो उसे हम इन्फेक्टेड पर्सन बोलेंगे या इन्फेक्टेड पेशेंट बोलेंगे। उसके बाद में आठवां वर्ड है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन के मायने होते हैं अलग रखना, मतलब जब बंदे पर शक हो या फिर उस पर शोबा हो तो उसे हम अलग रखते हैं। उसके बाद नाइन वर्ड है आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना। आइसोलेट मतलब अलग करना। उसके बाद में दसवां वर्ड है रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि इससे सांस लेने के निज़ाम पे बड़ा असर होता है, तो इसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, मतलब सांस लेने का निज़ाम। उसके बाद में ग्यारहवां वर्ड है कन्फर्म्ड केसेस। कन्फर्म्ड केसेस मतलब जिन्हें कोरोना हो, यानी ऐसे केसेस जो कन्फर्म हो चुके उन्हें कोरोना है, तो उसके लिए हम कन्फर्म केसेस बोलेंगे। उसके बाद में बारहवां वर्ड है क्रिटिकल केसेस। क्रिटिकल केसेस मतलब ऐसे केसेस जो अच्छे हो गए, सॉरी, ऐसे केसेस जो नाजुक हालत में हो, मतलब बिल्कुल नाजुक हालत में ऐसे केसेस हैं, उन्हें हम क्रिटिकल कंडीशन में केसेस बोलेंगे, जिसे मतलब बहुत क्रिटिकल कंडीशन में रखा गया हो। उसके बाद में तेरहवां वर्ड है रिकवर केसेस। रिकवर केसेस मतलब ऐसे केसेस जो अच्छे हो गए हो, मतलब कोरोना होने के बाद में वो वापस से रिकवर हो गया, उसे हम रिकवर केसेस बोलेंगे। उसके बाद में चौदहवां वर्ड है हॉस्पिटलाइज। हॉस्पिटलाइज के मायने होती है अस्पताल में भर्ती करवाना, मतलब कि कोई हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाना। उसके बाद में पंद्रहवां वर्ड है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट यानी इलाज।